अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर्थ, दिस इज़ द रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर बुक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ लीड्स कासल। इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ओल्ड कासल्स प्रेजेंट इन ग्रेट ब्रिटेन। देर आर हंड्रेड्स ऑफ एंशियंट कासल्स इन ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है, जिसको हम मोस्टली इंग्लैंड के नाम से कहते हैं, और वहाँ पर कहा जाता है कि देर आर हंड्रेड्स ऑफ एंशियंट कासल्स। एंशियंट कासल्स मीन्स ओल्ड कासल्स हैं, वहाँ पर बहुत बहुत सारे कासल्स हैं। एंड दे आर पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं फॉर द टूरिस्ट, एक अट्रैक्शन बनी हुई है। बहुत सारे टूरिस्ट, वो लोग जो पूरी वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं या हॉलिडे के लिए जाते हैं ग्रेट ब्रिटेन, तो वो ये ओल्ड कासल्स लाजमी देखने जाते हैं। इन कासल्स में एक बहुत फेमस कासल है जिसकी बात होने वाली है, लीड्स कासल इज़ वन ऑफ देम। लीड्स बहुत ही एंशियंट कासल है, जो कि इंग्लैंड की एक बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इट इज़ लोकेटेड इन केंट, इंग्लैंड। इंग्लैंड के एक शहर केंट में ये है। इट इज़ अबाउट 1000 ईयर्स ओल्ड, और इस कासल की एज तकरीबन 1000 ईयर्स है। ये 1000 पुराना कासल है, वेरी ओल्ड इट इज़। There are lots of things to see inside the building. और फिर इसकी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को, पेंटिंग्स हैं, उसके अलावा पुराने ज़माने के वेपन्स और आर्मर्स जो कि लोग वहाँ देखने जाते हैं। It has been open to the public since 1976. और सबसे पहली बार आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए और टूरिस्ट के लिए इसको खोला गया था 1976 में, सो दैट पीपल कैन कम हेयर एंड सी व्हाट द एंशिएंट थिंग्स आर प्रेजेंट इन दिस कासल। थैंक यू गर्ल्स।